जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड सामने इंट्रो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन बनाने के नियम। आइए, क्या तुम खेल चुके हो? हैव यू प्लेड, राइट? क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन। क्या वह गा चुकी है? हैज शी संग। क्या वे लोग आ चुके हैं? हैव दे कम। क्या राज सो चुका है? हैज राज स्लेप्ट। क्या वह समझ चुका है? हैज ही अंडरस्टूड। क्या राज और रमन आ चुका है? हैव राज एंड रमन कम। क्या श्रेया आपकी मदद कर चुकी है? हैज श्रेया हेल्प्ड यू। क्या हम लोग इस काम को किया है? हैव वी डन दिस वर्क। क्या सोहन तुम्हें तंग किया है? हैज सोहन वेक्स्ड यू। इसमें स्टूडेंट हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और प्ले वर्ब का तीसरा रूप, गॉन भी थ्री, संग भी थ्री, कम भी थ्री, स्लेप्ट भी थ्री, अंडरस्टूड भी थ्री, कम भी थ्री, हेल्प भी थ्री, डन दिस वर्ब थ्री, वेक भी थ्री। यानी आपको सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव को चुनना है। आई वी यू दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट को के साथ हैज का प्रयोग करना है, बाकी वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। इसके लिए आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म याद करना है। और यहाँ पर देखिए आप, राज और रमन ये दो सब्जेक्ट हो गए, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नेम रहेगा, एक नेम रहेगा, तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका राज है, सिंगुलर नेम है। जैसे श्रेया है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हैव। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो आप इस तरह से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर जय हिंद।